पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा। आले तो क्या हालचाल है, उम्मीद करता हूँ आपको हालचाल अच्छा होगा। देखो मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज चल रही है, प्लीज प्लीज इसे इग्नोर कर देना। देखो पुष्पा मूवी लाइट के स्पीड से चल रही है और मूवी ने अच्छी खासी कमाई भी कर ली है। और जो पुष्पा का डायलॉग है ना, पुष्पा राज यार अंदर से जा ही नहीं रहा है। अच्छा तो आज हम बात करेंगे इटर्नल्स मूवी पे। मुझे पता है कि मार्वल फैंस ने ये मूवी 100% देखी होगी, है ना। वैसे मैंने नहीं देखी थी, क्यों? क्योंकि बस ऐसी नहीं देखी थी। तो फाइनली अपन ने इटर्नल्स मूवी देखी है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे। तब थिएटर के लिए पैसा नहीं था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इटर्नल्स रिलीज हो चुकी है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, आप जो भी भाषा में देखना चाहते हो आप देख सकते हो। वैसे ये मूवी 5 नवंबर को थिएटर का रिलीज हुई थी और मुझे लगता है कि सूर्यवंशी भी उस टाइम ही रिलीज हुई थी, है ना। और इटर्नल जो मूवी है, मार्वल फैन ने तो ये मूवी पक्का देखी होगी क्योंकि इसकी हाइप काफी ज्यादा थी। इन मूवी की जो रेटिंग है सभी मार्वल मूवी से कम। पता नहीं मूवी की हाइप इतनी होने के बाद भी रेटिंग इतनी कम। हाँ, इस मूवी का रिव्यू में बिल्कुल भी बनाने नहीं वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अलग ही प्रकट हुआ और मुझे लगा कि यह सब मार्वल फैंस नहीं है, है ना। और जो उन्होंने मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी है तो मुझे लगा क्यों ना उन लोगों को ये मूवी सजेस्ट करें और ये मूवी आपको पसंद भी आ सकती है। फिल्म की स्टोरी थोड़ी स्लो है बट इसके VFX, अरे VFX की तो बात ही छोड़ यार, मार्वल वाले क्या चीज है आपको पता चलेगा ये मूवी देखने के बाद। और मूवी के जो एंड के एक्शन सीन है ना यार, तो विदाउट जो मार्वल के फैन है ये रिव्यू उनके लिए है। और जिन्होंने ये मूवी देखी है तो आप जा सकते हो। हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ये मत भूलना। तो जो लोग मार्वल के फैन नहीं है बट सुपर हीरोज की मूवी देखने के लिए वो काफी एक्साइटेड है तो आप ये मूवी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप ये मूवी देखने के लिए एक्साइटेड है तो अपन मूवी की स्टोरी जान लेते, ज्यादा नहीं देखेंगे, कुछ हल्का फुल्का ही देखेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। तो देखो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 5000 साल पहले इटर्नल्स पृथ्वी पे आ चुकी है। क्यों आए थे? क्योंकि वो डेवियंस को मारने आए थे। अब डेवियंस कौन है? तो डेवियंस वो थे जो ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद इनकी कुछ जड़ी बूटियां निर्माण हुई और ये हो गए। लेकिन इनसे पहले भी कुछ और थे, उनका नाम था सेलेस्टियस। और ये क्या करते थे? इनका काम ये था कि इन्होंने ब्रह्मांड को निर्माण किया और इनके बाद डेवियंस आ चुके और उनके बाद इटर्नल्स। लेकिन इटर्नल्स डेवियंस को क्यों मार रहे थे? क्योंकि इटर्नल्स को कोई और ऑर्डर देता था, सेलेस्टियस। और सेलेस्टियस ऑर्डर क्यों देता था? क्योंकि ये डेवियंस साले लोगों को खा रहे थे, वह बर्बादी कर रहे थे। और डेवियंस के जो पहले का ब्रह्मांड था वो काफी शांत था और डेवियंस आने के बाद बर्बादी चालू हो गई, इसलिए इटर्नल्स को उन्हें मारने भेजा। लेकिन थानोस ने एक चुटकी बजा के आधी दुनिया को खत्म किया, तब इटर्नल्स कहां थे? तो इटर्नल्स को कोई ऑर्डर देता था, उसका नाम है ओरेसियस, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने कहा, मतलब उनके बॉस ने कहा, तुम लोगों के बीच में मत पड़ो, उनका काम उन्हें करने दो और उन्हें विकसित होने दो, तुम सिर्फ जिधर जिधर डेवियंस गए उन्हें ही मारना। तो इसलिए इटर्नल्स नहीं आए थे। मुझे पता है कि मैंने अभी तक जो भी कहा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा और ये मूवी देखते समय कुछ इसी टाइप की लगती है और मैंने भी इसी टाइप का एक्सप्लेनेशन किया है ना। अच्छा, तो देखो इटर्नल्स की पावर की बात करें तो अपन कोई पावर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई आंखों से नेजर निकलता है, कोई तेज भागता है, कोई हाथों से काम खलास, और क्या ही बता दूं, ये तो मुझे पावर रेंजर ही लगे। क्यों नहीं लगेंगे? लगेंगे ही ना। देखो डायरेक्टली हमें फर्स्ट अवेंजर दिखा देते तो इटर्नल्स का जो हाल हो रहा है इनका भी यही हाल होता। तो वैसे ही इटर्नल्स के साथ ऐसा हुआ है और जो भी हो, लेकिन अपन को ये मूवी देखने में मजा आया। और ये मैं मेरे ओपिनियन से नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के ओपिनियन से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पावर रेंजर्स की तरह लग रहे हैं, कुछ तो ऐसा कह रहे हैं कि ये DC की कॉपी है। लेकिन ये जो मूवी है मार्वल का एक सरप्राइज है और आने वाले समय में हमें काफी कुछ दे सकता है और चेंजेस भी ला सकती है। बाकी ये फिल्म आपको देखनी चाहिए नहीं तो यहाँ पे डिपेंड करता है। और फिल्म के जो VFX और एक्शन सीन को मद्देनजर रखते हुए आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके VFX है ना, लगता नहीं इसके VFX है, रियल लगता है सब कुछ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और वैसे बोलना छुटकारा पाना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंतजार मत करो, कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट में। इकारी सूरज की तरफ मरने गया था या सूरज को निगलने के लिए, आपको क्या लगता है इंडियंस फैंस? ओके बाय।